Hey guys, welcome back to my channel. So guys, today I'm doing at Myntra haul. So yes, agar video helpful rehti then please do like, share and subscribe my channel and hit the bell icon also. So yeah, let's get into the week. So the ka aapko try on bhi milne wala hai. So chaliye start karte hain. बहुत ही रेंडमली सब चीजें आपको शेयर करने वाली हूँ मैं. और ये गाइस एंड ऑफ रीजन सेल से पहले मैंने मंगवाए थे प्रोडक्ट्स जो आप सेल में जो मैंने ऑर्डर किए हैं. अगर उसका भी एक हॉल चाहिए देन डू लेट मी नो. इनका मैंने हॉल नहीं किया था तो सोचा कि अब शेयर कर देती हूँ. सो सबसे फर्स्ट है गाइस ये हैंड बैग एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड नोन एज लीनो पिरोस करके है ये ब्रांड. आई होप कि मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँगी. तो यहाँ पे इसका नेम है एंड ये बेज कलर में है. सो मुझे व्हाइट कलर इतना ज्यादा पसंद नहीं है और मेरे पास इस टाइप के कलर में कुछ था भी नहीं. बहुत ही सही वाला ये लुक दे रहा है. इसमें यू नो बेज कलर में है एंड गोल्डन डिटेलिंग है और इसका साइज यू नो परफेक्ट है. ना तो ज्यादा ह्यूज है ना ही ज्यादा कॉम्पैक्ट है. मीडियम साइज है. सो बहुत ही अच्छा खासा इसमें स्पेस मिल जाता है. आपको इसमें स्लिंग भी मिल जाती है. सो अगर आपको एज अ स्लिंग बैग इसको कैरी करना है सो यू कैन कैरी लाइक दैट ऑल्सो. और यहाँ पे इस टाइप से इसमें एयर बैग मिल जाता है जिससे कि शेप बनी रहे. इतना स्पेस आपको मिल जाता है ठीक है. और यहाँ पे आपको जिप मिलती है सेंटर में. इसमें भी आप रख सकते हो जो भी आप रखना चाहो. तो काफी स्पेशियस है यू कैन सी. और बाहर से इतना ज्यादा नहीं लग रहा. बहुत ही क्लासी लुक देने वाला है. और ये हैंडबैग आप इजीली किसी के साथ भी कैरी कर सकते हो बिकॉज नॉर्मली आपके या तो ज्वेलरी में कहीं ना कहीं गोल्डन डिटेलिंग या फिर आउटफिट में भी गोल्डन डिटेलिंग लगती है. तो अगर आप इस बैग को कैरी करोगे तो आपका लुक जो है पुट टुगेदर लगता है. ऐसा नहीं लगता कि यार कुछ भी आपने यू नो कैरी कर लिया. इसको मैंने पर्टिकुलरली अपने बर्थडे के लिए ऑर्डर किया था बिकॉज बर्थडे पे मैं ब्लैक ड्रेस लेने वाली हूँ. ब्लैक के साथ व्हाइट बहुत ही सही लगता है. सो या फर्स्ट ये था मेरे पास. और इसका जो ओरिजिनल प्राइस है गाइस वो आपको स्क्रीन पे यहाँ दिख जाएगा. जो सेल प्राइस है क्योंकि मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिला है कुछ कुछ प्रोडक्ट पे तो वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा. ओके काफी सही वाला लुक देता है. बाकी ट्राई ऑन भी मैं आपको दे दूंगी. इट लुक्स सुपर. मैंने परचेज की मैंने बहुत सर्च किया एंड फाइनली मुझे ये मिले गाइस. इनको मंगवाए हुए भी मुझे बहुत टाइम हो चुका है. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. पेंसिल हील है इनमें तो काफी अच्छा सपोर्ट भी रहता है. मतलब यहाँ पे बैक में भी काफी अच्छे से सपोर्ट रहता है तो यू नो गिरने का डर नहीं रहता. ये शू टोपिया करके है. इनका जो प्राइस है ओरिजिनल वो ही 999 है. 1000 रुपीज तो ओरिजिनल ही है और डिस्काउंट प्राइस मुझे 600-700 समथिंग की मिली. और गाइस इसका वर्थ उतना है. लाइक बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी है. मतलब वाओ. मतलब इनके लिए तो मैं थोड़ी सी गंदी हो गई सॉरी. तो इनके लिए तो मैं कितने भी रुपए दे सकती थी. लाइक मैं आपको इसका ट्राई ऑन में दिखाने वाली हूँ. ट्राई ऑन में आप देखना क्या सेक्सी लुक आने वाला है गाइस इसका. और इसको आप वन पीस के साथ इजीली यूज कर सकते हो. उसके साथ साथ अगर आपने जीन्स वगैरह डाली हुई है तो उसके साथ भी काफी अच्छे से जाएंगी और इंडियन आउटफिट के साथ भी काफी अच्छी लगेंगी. तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी. बहुत सर्च किया मैंने तब जाके मुझे पसंद आई थी. मुझे बाटा की भी सिमिलर सी पसंद आई थी लेकिन उसका प्राइस 2000 रुपीज था. फिर मैंने ये देखी और ये मुझे बहुत पसंद आई तो मैंने ये देखी. क्योंकि 2000 रुपए क्यों दे जब हमें सस्ता माल मिल रहा है और उसकी क्वालिटी अमेजिंग है. बहुत सही वाली ये मैं आपको हाईली 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 रिकमेंड करूंगी गाइज. प्लीज एक बार जरूर ट्राई करके देखना. मतलब मंगवा लो यार बहुत ही सही है. एंड क्या बोलूं बस बहुत अमेजिंग स्टफ. बैग परचेज कर लिया था और ये व्हाइट बैग मैंने आई गेस अगस्त में ही बाय कर लिया था क्योंकि मेरे को ना ऐसा होता है कि यार बस कर लो परचेज. बर्थडे तक तो वेट ही नहीं होता. तो मेरी बर्थडे की शॉपिंग अभी भी होती रहेगी. बहुत सारे हॉल आपको देखने को मिलने वाले हैं और एग्जाम्स भी आएंगे मेरे यार बड़ी दिक्कत. एनीवेज तो गाइज मैंने इयररिंग्स परचेज किए हैं. ये है ज्वेल्स गैलेक्सी के. मैंने अपने फेस्टिव हॉल में शेयर किया था आप लोग के साथ. और फेस्टिव हॉल अगर आप लोग ने नहीं देखा तो वो भी चेक करना. बहुत ही अच्छा वाला हॉल था. तो उसमें मैंने ज्वेल गैलेक्सी के इयररिंग्स परचेज किए थे. पूरा सेट परचेज किया था एंड उसकी क्वालिटी अमेजिंग थी तो मेरे को बहुत पसंद आया. दैट्स व्हाई मैंने ये वाली इयररिंग परचेज किया. और ये वाला पीस देखो गाइस क्या गजब वाला पीस है. मतलब अमेजिंग यार. जस्ट लुक एट दीज यार. लाइक इसमें पर्ल है तो इसमें ना क्या है कि सबसे थिक वाला है. देन साइज जो है वो इस टाइप से है छोटा बड़ा 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 करके. एंड देन यहाँ पे गोल्डन सी डिटेलिंग हो रखी है. ये आप देख सकते हो बहुत ही सही वाला लुक आएगा. मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ इन सबको पहनने के लिए. तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा ये. ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं हम वॉच की. तो मैंने अपने
दिवाली का मैंने एक शॉपिंग हॉल शेयर किया था जिसमें कि मैंने होम डेकोर परचेज किए थे मिंत्रा से। तो उस हॉल में मैंने अपने डैड के लिए वॉच परचेज की थी, तो आपको शो किया था कि मैंने डैड के लिए वॉच परचेज की है, तो मैं अपने लिए भी एक वॉच परचेज मैंने की है, बट वो मैं आपको बाद में शेयर करूंगी। तो वो यही वॉच थी, मैंने इसको 3 महीने पहले परचेज करके रख लिया। ये ब्रांड है गाइस ड्रेस बैरी। मुझे सबसे सही वॉच जो थी ड्रेस बैरी की ही अच्छी लग रही थी। या इस टाइप से इसका कुछ पूरा लुक आता है, बहुत ही अच्छे से पैकिंग हो रखी होती है इसकी। एंड इस वॉच की हालत, अभी तक मैंने इसको एक बार भी पहना नहीं है क्योंकि मैं वेट कर रही हूँ कि बर्थडे के लिए ही। आप देख सकते हो कि इसमें अभी भी ये लगा हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, थोड़े से मेरे हैंड में टैनिंग हो गई है बिकॉज अभी मैं अपने होम टाउन गई थी उसके वजह से। सो या गाइस, दिस इज हाउ द वॉच लुक्स लाइक। मतलब इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव लगती है, वैसे तो ये कुछ 3000 की पड़ी थी मुझे, लेकिन 3000 का गाइस इसका वॉर्थ है। गोल्डन इन कलर में है गाइस, लुक एट दिस, जस्ट लुक एट दिस, ओके, कितनी सही वाली वॉच है। तो इसमें ना मुझे एडजस्ट का नहीं है, इसमें एडजस्टेबल नहीं है, मेरी जो सोनाटा वाली है वो एडजस्टेबल है तो उसको मैं इजीली पहन सकती हूँ, हल्की सी मुझे लूज है तो इसकी चैन को मुझे कट करवाना पड़ेगा। तो देखती हूँ अगर कट वट होके जुगाड़ सही बैठ जाएगा तो। बहुत ही सही वाली वॉच है, क्वालिटी अमेजिंग है, बहुत अच्छे से इसकी पैकिंग होके आई थी, मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। सो ये भी मैंने अपने बर्थडे के लिए ही। सो गाइज, अभी ये वॉच डिस्काउंट पे है और इसका अभी 1000 रुपीज़ है। मैंने इसको बहुत महंगा परचेज कर लिया, बहुत टाइम पहले परचेज करा था तो रिटर्न भी नहीं कर सकती, तो आप अभी जाके इसको बाय कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा। मैंने परचेज की है ट्यूब टॉप, तो बेसिकली ट्यूब टॉप को मैंने इसलिए परचेज किया है क्योंकि वैसे तो मैं ट्यूब टॉप वगैरह इतना पहनना पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा जो बॉडी टाइप है उस पर इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। पियर्ड शेप पे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ट्यूब टॉप वगैरह, बट अगर मेरी बॉडी शेप इस टाइप की है, हल्का सा शेप है, तो इतना ज्यादा भर के नहीं आता है, समझ रहे हो आप, तो इसलिए मैं इतना ज्यादा नहीं पहनती। बट अभी विंटर में क्या है कि हम जैकेट्स वगैरह तो बहुत सी परचेज करते हैं, लेकिन उनके साथ ना हम सोचते हैं कि क्या पहने क्या पहने, तो आप टैंक टॉप वगैरह भी परचेज कर सकते हो जो मैंने मिंत्रा हॉल में शेयर की थी H&M की, नहीं तो आप इस टाइप की ट्यूब टॉप्स परचेज कर सकते हो। इसका ट्राई ऑन तो मैं आपको वैसे ही नॉर्मली दे दूंगी, सो आप देख लीजिएगा कि किस टाइप से है, बहुत परफेक्टली फिट हुई। यहाँ पे इसके बहुत ही सही वाला यू नो थिक सा इलास्टिक मिलता है, सो काफी अच्छा इलास्टिक है, तो बहुत ही अच्छे से यहाँ से हक करके रखता है। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा भी डांस वांस कर रहे हो, थोड़ा मूव कर रहे हो तो ये स्लिप हो जाएगी, स्लिप होने वाला सीन इसमें नहीं है। और इसमें आप चाहे तो थोड़ी शॉर्ट इतना जो लेंथ है क्रॉप यू नो ट्यूब टॉप भी परचेज कर सकते हो, लेकिन मैंने फुल लेंथ की परचेज की है जिससे कि टमी भी कवर हो जाए और अगर मैं कोई भी जैकेट वगैरह वेयर करती हूँ तो बहुत ही सेक्सी लुक आए। एज वेल एज मैं क्या कर सकती हूँ, इसको ना इस टाइप से फोल्ड भी कर सकती हूँ, तो मेरे पास दोनों ऑप्शन है, मैं चाहे तो फुल लेंथ इस टाइप से पहन सकती हूँ, नहीं तो मैं इसको टकिंग थोड़ा सा कर लूंगी, आप समझ जाओ कहने का मतलब, ठीक है, तो इसको फोल्ड कर लूंगी तो ये थोड़ा क्रॉप टॉप काइंड ऑफ लुक भी दे देगा मेरा, तो इसलिए मैंने ये थोड़ा सा यू नो इस साइज में परचेज किया। इसको वैसे मैं एज अ स्कर्ट भी यू नो यूज कर सकती हूँ, देखते हैं, वो तो ट्राई करेंगे ये वाला जुगाड़ भी। बाकी क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत ही सही वाली क्वालिटी थी, प्राइस आपको यहाँ पे दिख जाएगा, तो डिस्काउंटेड प्राइस था, उस हिसाब से बेस्ट क्वालिटी है गाइज, अमेजिंग फैब्रिक है, आई जस्ट लव दिस वन, लाइक बेस्ट है, ओके, तो परचेज कर लेना, गोल्डन गर्ल करके ब्रांड है। बाकी लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो डोंट वरी। चीजें परचेज नहीं की हैं, अपर में चीजें ना परचेज करने का रीजन था क्योंकि ये सब तो मैंने रैंडमली एक साथ कोई भी चीज परचेज नहीं की, कभी कौन सी। और उसके अलावा जो फेस्टिव हॉल थे वो तो दो हॉल भी शेयर किए थे मैंने, लेकिन उनमें ये प्रोडक्ट शेयर इसलिए नहीं किए क्योंकि मैं चाहती थी कि फेस्टिव हॉल में जो हम फेस्टिवल और शादी वगैरह में यूज कर सके वही स्टफ मैंने शो किया था। तो ये मेरा बहुत पहले का स्टफ है जो मैंने बहुत पहले ऑर्डर किया था, तो सब अलग अलग किया था, तो इसकी वजह से मेरे पास कोई भी अपर नहीं है, बस एक ट्यूब टॉप ही है, तो अपर ज्यादा नहीं है, तो वो मैंने अब यू नो ऑर्डर कर दिए हैं। आई होप कि एक दो दिन में मुझे रिसीव हो जाएंगे और जल्द आपको उसका भी एक हॉल देखने को मिल जाएगा, सेकंड मित्रा हॉल, ओके। सो नेक्स्ट गाइस, मैंने परचेज किए थे जॉगर्स और इनकी हालत बहुत ही खस्ता है, सो प्लीज माइंड मत करना। ये ब्लैक एंड कलर में है, इसमें आपको कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे और ये बहुत ज्यादा डर्टी हो रखा है क्योंकि इसमें डस्ट पकड़ रही है, इसका मटेरियल कॉटन का है, तो मैं आपको गाइस ये रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगी। लाइक जो इनका प्राइस था, मुझे जिस प्राइस पे पड़े वो यहाँ पे दिख जाएगा आपको, रियल प्राइस यहाँ पे, डिस्काउंटेड प्राइस यहाँ पे, तो जिस प्राइस पे मुझे मिले उस हिसाब से इनकी वर्थ बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड ये नहीं करने वाली हूँ। ये जो ब्रांड है वो है राइडर रिपब्लिक एंड आई एम इन दी साइज 28,
ओके आई होप कि विजिबल हो रहा होगा आपको. सो फिटिंग वगैरह ठीक है, नो डाउट, जिप भी काफी अच्छी है, हाई वेस्टेड है ये तो वैसे ठीक है, काफी अच्छा है. पॉकेट मिल जाती है इसमें यहाँ पे, बाकी ट्रायल मिल जाएगा आपको यहाँ पे मिल जाती है. और यहाँ से मुझे थोड़ा सा लॉन्ग था तो मैंने इसको कटवा दिया, मेरे टेलर ने इसको काट के बिल्कुल सही जुगाड़ लगा दिया, मतलब मेरे मास्टर जी अमेजिंग है. तो यहाँ बाकी गाइस मटेरियल इतना अच्छा नहीं है, लाइक बहुत ही चीप लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि 200 रुपए का ही है ये. लाइक इतना कॉस्टली मैंने क्यों परचेज किया, मैं तो खुद ही रिग्रेट कर रही हूँ मैंने क्यों बाय किया, क्योंकि बिल्कुल भी इसकी वर्थ नहीं है. बहुत ही गंदा मटेरियल है, बहुत गंदा, प्योर कॉटन का है लेकिन डस्ट इतनी पकड़ रखी है इस पे, ऐसा लग रहा है जैसे 200-300 का ऐसा. तो ये भी लीनो प्रोस से ही है अगेन. तो मेरे पास काफी बेल्ट है वैसे तो, लेकिन मेरे पास ना गोल्डन बकल वाला बेल्ट नहीं था जिसमें कि गोल्डन बकल हो, इस टाइप का बकल. इसमें बहुत छोटा सा है, थिन बेल्ट है, तो इसको मैं वन पीस वगैरह पे भी इजिली यूज कर सकती हूँ. दैट्स व्हाई मैंने परचेज किया, और टॉप्स वगैरह पे भी परचेज किया है, बिकॉज कोई भी मेरा आउटफिट है उसमें हल्की सी भी अगर गोल्डन डिटेलिंग है तो ये बेल्ट काफी ज्यादा सही लगेगा. और बहुत ही छोटा सा इसका बकल है, काफी बार आपकी जो पैंट वगैरह होती है उसमें इतना सा ही स्पेस होता है बेल्ट के लिए, ज्यादा नहीं होता, तो इसलिए ये छोटा वाला बकल वाला बेल्ट ना काफी सही लगेगा. सो ये बूट्स कुछ इस टाइप के कार्डबोर्ड के डब्बे में आए थे जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. बट गाइस जैसे अगेन इनका जो प्राइस है उस हिसाब से इनकी वर्थ है. लाइक मैं आपको ये भी हाईली रिकमेंड कर सकती हूँ, इनका आपको प्राइस यहाँ पे दिख जाएगा जिस प्राइस पे मुझे मिले थे. एंड गाइस लुक एट दीज बेबीज, इनको मैं पिक्स के लिए यूज कर चुकी हूँ एक बार, तो पिक्स भी आपको देखने को मिल जाएगी. गाइस इनका अमेजिंग लुक है, लाइक ये जो फर है ये इतना ज्यादा सॉफ्ट है, हल्की इसमें हील भी है, तो मेरी जो हाइट है 5'2" है, तो इतनी हील से ना मेरी हाइट और अच्छी लगती है, तो काफी सही लुक लगता है गाइस इन बूट्स में. और मुझे कुछ इसी टाइप के बूट चाहिए थे जिसमें थोड़ा सा फर वाला लुक भी हो प्लस हील भी हो, जिससे कि मेरी जो हाइट अच्छी लगे लुक भी अच्छा लगे. तो ये वन पीस के साथ भी काफी अच्छे लगेंगे और वैसे भी बहुत अच्छे लगेंगे. तो ये भी मैंने बहुत टाइम पहले मंगवाया था, आप मेरी पिक्स वगैरह का टाइमिंग डेट वगैरह चेक कर लेना, आपको खुद पता चल जाएगा. 1-2 महीना हो गया इनको भी एंड काफी अच्छी क्वालिटी है गाइस. ये पूरा लेदर का है, मतलब रियल तो नहीं होगा बट वैसे ही है, बट काफी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, क्वालिटी वगैरह अमेजिंग है, फर इतना ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट है यार. तो मुझे ये बूट्स भी बहुत ज्यादा पसंद आए एंड आई मीन दी साइज 38 और जो मेरी हील्स थी उसमें भी मेरा साइज 38 ही है. सो गाइज ये ज़ैपाटोस करके ब्रांड से हैं, लिंक आपको मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन में, अमेजिंग क्वालिटी है गाइज इनकी. व्हाइट जीन्स और आई मीन दी साइज 28, तो इस व्हाइट जीन्स को परचेज करा है मैंने इसलिए क्योंकि मैंने पहले वाले हॉल में शेयर किया था कि मैंने डॉल्स ही क्रूडो करके कोई ब्रांड आता है उसकी जीन्स परचेज की थी. गाइस उसकी जीन्स की क्वालिटी रद्दड़ थी, मतलब उसका प्राइस बहुत ज्यादा था लेकिन उस हिसाब से उसकी क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो मैंने फिर उसको रिटर्न कर दिया था हॉल के बाद. मुझे लगा कि नहीं रिटर्न कर ही देना चाहिए बिकॉज बिल्कुल बेकार लग रही थी. तो मैंने अब परचेज किया गाइस ये मिस चेज की और इसको भी आए हुए मेरे पास 1 मंथ हो गया है लेकिन अभी तक इसका टैग वगैरह रिमूव नहीं किया है. उसका रीजन ये है कि ये मुझे हल्की सी लूज है थाइज से भी और वेस्ट साइज से भी हल्का सा लूज है, पता नहीं क्यों, तो इसको टाइट करवाना है. इसकी क्वालिटी अच्छी है ओके. तो ये कुछ इस टाइप से है व्हाइट जीन्स, हाई वेस्टेड है ये और इसके ना बॉटम पे मैंने फोल्ड करके इसको ट्राई किया था कि इतना मुझे कटवाना है इसको,
थोड़ा सा ये लॉन्ग है। बॉटम पे इस टाइप का इस पर थोड़ा सा डिटेलिंग भी है जो कि काफी सही लगती है। तो मेरे तो ये काम की है नहीं क्योंकि मेरी तो हाइट शॉर्ट है, तो मेरे तो ये कट हो जाना है। जिनकी हाइट लॉन्ग है तो उनकी ये डिटेलिंग भी बहुत अच्छी लगने वाली है। सो या गाइस, मुझे इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छे से इसकी सिलाई है, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कोई भी धागा निकल रहा हो। एंड अमेजिंग फैब्रिक है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा फैब्रिक है, बहुत ही कंफर्टेबल है। वैसे मैंने ट्राई करके इसको देखा था लेकिन फिटिंग करवानी पड़ेगी मुझे, उसके बाद ही आप देखोगे किसी ना किसी पिक में इसको पहने हुए मुझे। सो या ये भी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। सो गाइस, बस यही कुछ प्रोडक्ट मैंने इस बार ऑर्डर किए थे, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप चेक कर लीजिएगा। और भी हॉल्स देखने को मिलने वाले हैं मिंत्रा के, सो स्टे ट्यून्ड। उसके अलावा हो सकता है और भी हॉल्स आपको देखने को मिल जाए अलग अलग एप्स के। सो या तो चलिए गाइस, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। और क्या हॉल देखना चाहते हैं ये भी कमेंट करके बता देना, मतलब कोई पर्टिकुलर आपकी कुछ हो ख्वाहिश की ये मैं पूरी करूँ तो कमेंट कर देना, बस इतना ही करना आपको। सो या गाइस, तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।